चॉकलेट मम्मी से मैं सीमा ढाबाई आपका स्वागत करती हूँ। आज मैं आपको मसाला बाटी बताने जा रही हूँ। इसके लिए मैंने ये दो उबले हुए आलू लिए हैं, एक प्याज, आधी हरी मिर्च काट के रखी है, 1/4 कटोरी मैंने मटर लिए हैं, ये तेल है और ये देसी घी है बाटी लगाने के लिए। और ये मैंने आलू का जो मसाला बनाएंगे उसके लिए मैंने 1 चम्मच धनिया, आधी चम्मच लाल मिर्च, 1 चम्मच मैंने सौंफ, आधी चम्मच मैंने ये मसाला, ये जो साबुत धनिया है इसको मैंने क्रश कर लिया है, स्वाद अनुसार नमक और 1/4 मैंने हल्दी ली है। और ये मैंने 2 कटोरी आटा लिया है, इसमें 1 चम्मच नमक और ये अजवाइन ली है आधी चम्मच। ये मैंने तेल गर्म होने चढ़ा दिया है, इसमें मैंने 1 बड़ा चम्मच तेल का डाला है। तो सबसे पहले इसमें हम हींग डाल देंगे, इन सब डालने के बाद ये धनिया डाल देंगे। फिर अब हम ये प्याज और हरी मिर्च डाल देंगे। इसे हम अच्छे से लाल होने देंगे पहले। ये प्याज हमारे लाल हो गए हैं तो अब हम इसे ये मटर डाल देंगे। मटर मैंने पहले ही हल्के से बॉईल कर लिए थे। अब हम इसमें ये मिर्च, नमक, धनिया और हल्दी डाल देंगे। थोड़ी देर इसे हम चलने देंगे ऐसे ही। आलू जो मैंने मैश कर लिए हैं ये आलू डाल देंगे। अच्छे से मिला लेंगे और 2 से 3 मिनट तक इसे मीडियम आंच पर इसको ऐसे ही चलने देंगे ताकि अच्छे से मैश हो जाए, अच्छे से मिल जाए इसमें नमक, मिर्च, धनिया। हो गए हैं और ये तैयार है। अब हम गैस बंद कर देंगे। अब हम आटा लगाएंगे। इसके लिए सबसे पहले हम ये नमक और जो अजवाइन है ये डाल के अच्छे से मिला लेंगे। दो से तीन चम्मच हम तेल डाल के इसको भी हम अच्छे से मिला लेंगे। अब हम आटा लगा लेंगे। ये मैंने आटा लगा लिया है और लगाए हुए 10 मिनट हो चुके हैं और अब हम सबसे पहले बाटियां बनाएंगे। ये मैंने 6 बाटियां बना ली है और मसाले के भी 6 ही पेड़े बना लिए हैं। चढ़ा दिया है, पानी अच्छे से बॉईल हो गया है। अब हम इस तरह से सारी बाटियों को इस तरह से कर लेंगे। इस तरह से करके ये जो मसाले का हमने लड्डू बनाया है ये इसमें रख देंगे और इसको हम अच्छे से आटे को ऊपर लाते हुए इसको अच्छे से हम चिपकाएंगे ताकि ये बाद में खुल ना सके। इस तरह से हम बढ़िया चिपका देंगे और इसे हम अच्छे से दबा देंगे। इस तरह से हम थोड़ा सा प्रेस करके दबा देंगे और सारी बाटियां हम इसी तरह बना लेंगे। सारी बाटियां बना दी हैं। बाटी करके हम पानी में बॉईल करेंगे, सारी बाटी इसमें छोड़ देंगे। गैस
इसको फुल रखेंगे थोड़ी सी देर के लिए, क्योंकि हमने बाटी डाली है तो पानी थोड़ा ठंडा हो जाता है। दस मिनट हो गए हैं और ये जो बाटी है ऊपर पानी के ऊपर आ गई है, तो हम थोड़ी सी देर और रखेंगे 5 मिनट और फिर अपना गैस बंद कर देंगे, थोड़ी सी देर ठंडा होने देंगे। ये मैंने घी गर्म होने चढ़ाया है और घी गर्म हो गया है तो हम गैस को बिल्कुल मीडियम कर देंगे और अब हम इसमें ये बाटी डालेंगे। गैस को बिल्कुल मीडियम कर देंगे। ये एक तरफ से हो गई है तो इसे हम दूसरी तरफ से भी पलट देते हैं और बहुत धीरे धीरे हल्के हल्के हाथ से हम पलटेंगे और इसे हम बिल्कुल मीडियम आंच पर ही चलने देंगे, क्योंकि तेज आंच पर अगर हम इसे जलाएंगे तो बाटी को कच्चा रहने का डर रहता है। इसे हमें मीडियम आंच पर ही चलने देना है और कम से कम 10 से 15 मिनट हो गए हैं। इसको मैंने दोनों तरफ से उलट पुलट करके सेका है और ये फूल गई हैं और हमें जब पलटते समय थोड़ा ध्यान रखना है कि इसको तेज नहीं करना है, बहुत धीरे धीरे ही पलटना है। और ये एकदम सुनहरी हो गई है जैसी लग रही है और अब हम इसे हम निकाल देंगे इसी तरह से मीडियम आंच पर सेक लेंगे। ये दोनों तरफ से लाल हो गई है और इसे हम गैस बंद कर देंगे और इसे निकाल लेंगे। इसे अगर गर्मा गर्म खाई जाए तो बहुत ही स्वादिष्ट लगती है। इसे आप 4 बजे स्नैक्स के तौर पर भी खा सकते हैं। अगर आपको ये बाफला बाटी की और ये मसाला बाटी की रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरा वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चॉकलेट मामी से मैं सीमा धाबाई, धन्यवाद।